हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे, और जहाँ भी होंगे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अभी बज रहा है रात के 9:30 और मेरा जो काम है आज कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मायरा बहुत ज़्यादा रो रही थी और एक जरा सा भी रह नहीं रही थी, जिसकी वजह से मैं कोई भी काम नहीं कर पाई और ना ही ब्लॉग शूट कर पाई। तो हस्बैंड जी 9:30 बजे आए, तो फिर मैं आई किचन में और साथ में हस्बैंड जी को भी बोला कि साथ में मिलकर जल्दी से मटर को छील दीजिए, ताकि मैं जो रात का डिनर है वो जल्दी से बना लूँ। केक तो 9:30 बज चुके हैं और सॉरी सो जाता है क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है, तो फिर ये मिलकर साथ में मटर छील दिए। तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ मटर के पराठे। इसके लिए मैंने अदरक लहसुन मिर्च को पहले थोड़ा सा कूट लेंगे और उसके बाद जो मटर हैं धो के रखे हैं उसे डालेंगे और उसे भी दरदरा सा कूट लेंगे। मिक्सर में नहीं पीसेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगा, दरदरा चाहिए इसीलिए। आटा में धनिया पत्ता और जो कूट के रखे थे वो डालेंगे, हल्दी पाउडर, नमक और तिल डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसका आटा गूंथकर एकदम सॉफ्ट वाला तैयार कर लेंगे। और ये वाला पराठा ना फ्रेंड बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, बच्चे आराम से खा लेंगे। इसे आप चाहें तो गोल या फिर ट्रायंगल शेप वाले पराठे भी बना सकते हैं, मैं बना रही हूँ ट्रायंगल शेप वाला। और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे और सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक, और मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है और सच में बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि था नहीं घर पे। जैसे मैं ना आप आटा गूंद रहे हो तो उसी समय थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा टेस्ट अच्छा होगा। तो पराठे सेकते जाऊंगी और बाकी सबको खिलाते जाऊंगी क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। पति देव यहाँ पे दूध निकाल रहे हैं पीने के लिए हम सबका, सही बोले ना? काओ मिल्क, ठीक ना? और अभी किचन साफ करेंगे, साफ करने के लिए सामान आ चुका है, मतलब कपड़ा, और दिखाते हैं आपको। उधर सॉरी अपना पकड़ लिया है रूम। तो मायरा भी यहाँ पे मटर के पास लग चुकी है, मटर। हाँ, तो अभी छील गई हूँ मटर, और मटर देखिए दो दे दी है, थोड़ा सा इज्जत से छील लिए थे। अभी पराठे बनाने के लिए मटर और धनिया के पराठे बनाए थे तो यही वाला मटर यूज किए थे, और अभी मायरा का भी चल रहा है, मायरा भी लेकर भाग रहा है। और अभी बज रहा है रात के 10:05 हो रहा है ना, तो फटाफट से देखते हैं कितना टाइम लगेगा मटर छीलने में। दूध लाओ पीने के लिए। हाँ लेते हैं। ये तो ये देखिए हमारा रात का दूध, इसके बिना हम ना सोए। और मायरा का देख सकते हैं ये पूरा फैला गई है, छीलने भी नहीं दे रही, उनको लगता है कि आधा छील पाएंगे आधा रखना पड़ जाएगा, क्योंकि बिना छीले हुए और छीले हुए दोनों साथ में मिक्स कर दिए। तो देखिए फ्रेंड इतना भी बाकी है और ये मटर छील, मेरा तो मटर छीलना हो गया है। फिर मैंने हस्बैंड जी को बोला कि आप छील दीजिए बाकी जो बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम रखे हैं अभी चावल जो सुबह पीसेंगे इडली बनाने के लिए, और इधर है उड़द का दाल। टमाटर धुल गया है, ये सब सारे धुल गए हैं, बस अभी रखना है सबको। और वहाँ पे देखिए मायरा और मायरा के पापा, मायरा के पापा को हम गिरा दिए कि आप छील दीजिए मटर, मेरा जो हाथ है वो दर्द करने लगा इसलिए मायरा के पापा छील रहे हैं। और मायरा का देखिए कैसे पूरा मटर फैला के रखी है, तो मटर भी छिल चुका है। तो फ्रेंड आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय। मायरा भी करेगी आप सबको बाय, करो तो बाय बाय बेटा, बाय बाय बोल दो, बाय 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 बोल दो आप सबको मायरा भी।